कुरान के अंदर वो एक आयत है कि जब तुम फंसते हो तो तुम मेरी तरफ लौटते हो, जब तुम निकल जाते हो तो तुम ये कहते हो कि ये मेरा ही इल्म था, ये मेरी दानिश वरी थी कि मैं निकल गया हूं। ये अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बता दी है। तो दुआएं भी ऐसी दिल से निकलती थी कि वो आज भी मुझे अपने अल्फाजों पे भी जो है हैरान की होती। मैं तो अल्लाह के हाथ फैलाता था, अल्लाह ताला तू यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के बादशाह बनाने पे कादिर है, या अल्लाह तू यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकालने पे कादिर है, या अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार से निकालने पे कादिर है, या अल्लाह तू मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के ऊपर खालिब करने पे कादिर है, या अल्लाह तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निकालने पर कादिर है, या अल्लाह मेरा मसला तेरे आगे क्या है। डेढ़ महीना मुझे आज भी याद है, डेढ़ महीना, और जिस चुंगल में मैं फंसा था वहां से आजाद हो गया, मेरी 100% रिकवरी हो गई, मैं बिल्कुल इजी हो गया। तब मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि मैंने जिंदगी के अंदर कभी किसी मखलूक के आगे कोई हाथ नहीं फैलाने, कभी किसी को काम नहीं कहना। जब मेरा रब चाहेगा मैं रब को कहना है, मेरा रब चाहेगा हो जाएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं।